कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी जो है उसको बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा जो है उसे नहीं कहा जा सकता। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक अतुल भातखड़कर है। सर, ये जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब को लेकर जो आज निर्णय आया है घटनापीठ का, वो स्वाभाविक और अपेक्षित इस प्रकार का निर्णय था, क्योंकि इसी विषय को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके पहले इसी प्रकार के निर्णय दिए हैं कि हिजाब ये कोई मुस्लिम धर्म का अविभाज्य अंग नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये मामला कांग्रेस ने जानबूझकर गरम करवाया। पिटीशन की गई कोर्ट में, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत ट्वीट किया। महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में इस विषय को लेकर मोर्चे निकाले गए। मुझे लगता है 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने भी एक जोरदार तमाचा कांग्रेस के इस मुस्लिम वोट्स पोलराइजेशन करने के राजनीति को लगाया है, और आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी उनको तमाचा दिया है। सर, कई मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि स्कूल में जब परीक्षाएं सर पर है, ऐसे वक्त में ऐसा मुद्दा कुछ हिंदूवादी संगठन या वहाँ की सरकार ऐसा मुद्दा उठाकर जो मुस्लिम बच्चे या जो लड़कियां हैं उनकी स्टडी पर प्रभाव डालने का कोशिश कर रही है, ऐसा मुद्दा तब उठाने की ज़रूरत नहीं थी जब इतने दिनों से स्कूल चल रहा था, तब क्यों नहीं कहा गया? तो हिजाब या किताब, ये सवाल किसने खड़ा किया? और जो भी शैक्षणिक संस्था थी उनका इतना ही कहना था कि हमारे संस्था में आप आ रहे तो हमारे नियम फॉलो करो। लेकिन इसको महजबी रंग दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट का रंग दिया गया, और इसके लिए ये जो मुस्लिम समाज के तथाकथित सेक्युलर नेता लोग हैं उनकी मनीषा तो यही है कि हमारी जो मुस्लिम भगिनी है उन्होंने बैकवर्ड ही रहना चाहिए, उन्होंने शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। ट्रिपल तलाक के मामले में उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट किया था, शरद पवार जी ने यह आर्ग्यूमेंट किया था कि ट्रिपल तलाक ये तो मुस्लिम महजब का भाग है, और ये खुद को सेकुलर कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं, और इसके लिए ट्रिपल तलाक का मामला हो या हिजाब का मामला हो, ये दोनों लोग जो खुद को मुस्लिम समाज के विचारवंत कहते हैं और मुस्लिम मतों के जो ठेकेदार सेकुलर लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के प्रगति में मतों के लिए रोड़ा डालने का काम करते हैं। शुक्रिया। बात करें तो कुल मिलाकर बीजेपी कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती हुई दिख रही है, और साफ तौर पर ये कह रही है कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए इसे मजहबी रंग देने की कोशिश जो है कुछ सेकुलर पार्टियों ने की थी। आज उनके मुंह पर कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तमाचा जो है वो पड़ा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ रौनक कुकड़े, ABP News, मुंबई।